वेट कर रहा हूं थोड़ा सा। जी सर, तो क्वेश्चन आंसर्स के अंदर मैं यहाँ पर क्वेश्चंस आप लोगों के पढ़ना चाहूंगा। मैं यहाँ पर अलाउ नहीं कर पाऊंगा आप लोगों को कि आप लोगों को एक एक करके मौका मिले, क्योंकि हमारे पास अब लिमिटेड ही टाइम है। टाइम ऑलरेडी हमारा एक घंटे हो चुका है। ओके सर जी, बीएफएससी का रिवॉर्ड 28 अप्रैल से शो नहीं हो रहा। ओके उमर जी, आप कुछ बोल रहे हैं? जी जी, गुड इवनिंग गाइस, होप ऑल आर गुड। तो मैंने कहा मैं भी वेट कर रहा हूँ, कुछ बोलना चाह रहा था। जी जी प्लीज सर, आप बोलिए ना। तो गाइस, आज प्लान तो नहीं था, लेकिन मैंने कहा चले आज, क्योंकि एक छोटी सी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट थी, मैंने कहा वो कर दूं। कल आफ्टरनून यानी सेकंड हाफ में 3 बजे आईटीओ जो है वो स्टार्ट हो रहा है। एक्चुअली आईटीओ आज करना था, लेकिन लीडर्स ने कहा कि जी आप आज अनाउंस करें तो कल इस आईटीओ को हम कर लेते हैं। तो कल आईटीओ है जी सेकंड हाफ में, और 3 बजे के करीब आपको ऑफिशियल अनाउंसमेंट आज आपके साथ शेयर हो जाएगी। और ये आईटीओ जो होने जा रहा है, ये आपका बीयूएसडी और बीएलबी के पेयर पे होने जा रहा है, BP20 के साथ। और इसके अलावा आपको ये आईटीओ अभी हम एक्सचेंज ऑन के ऊपर नहीं करने जा रहे। उसकी रीजन ये है कि बहुत सारी कुछ टेक्निकल चीजें जो हैं उनमें डिस्टर्बेंस आ रही है, जिसकी वजह से हम इस किस्म का रिस्क नहीं ले सकते कि जिसमें लोगों को कोई डिस्टर्बेंस, हमारी कम्युनिटी को कोई डिस्टर्बेंस आए। तो डिसाइड ये किया कि कल बिलव टोकन की, सॉरी बिलव नेटवर्क की साइट के ऊपर आपको स्वैपिंग की ऑप्शन मिलेगी, और जो स्वैपिंग होगी वो बीयूएसडी और बी लव टोकन की होगी। तो कल 3 बजे से ये आईटीओ जो है वो हमारा स्टार्ट होगा, ठीक है। और ये 24 आवर्स के लिए आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, फर्स्ट कम फर्स्ट वाला सीन होगा यहाँ पे। जो जितना यानी कि इसमें आपको लिमिट बता दी भी है कि मिनिमम लिमिट 1000 बी लव टोकन की है, और मैक्सिमम जो लिमिट है वो 100,000 टोकन की है। और जैसे ही ये आईटीओ कंप्लीट होगा, तो क्योंकि आपको पता है आज बर्निंग हो चुकी है, और जैसे ही आईटीओ कंप्लीट होगा विद इन अ वेरी नेक्स्ट मिनट इसकी प्राइस जो है वो 0.05 हो जाएगी, ठीक है। तो ये जस्ट आपके पास थोड़ा सा टाइम है, अगर आपने यूएसडीटी या उसको कन्वर्ट करना है किसी भी चीज को तो वो आप कर लें। लेकिन ये कल 3 बजे हमारा आईटीओ स्टार्ट होगा, और ये 24 आवर्स के लिए आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जो चाहे इस अपॉर्चुनिटी में, वो जिसकी किस्मत होगी वो इस अपॉर्चुनिटी से बेनिफिट जो है वो उठा सकता होगा। बाकी कहने को तो ये 24 आवर्स का होगा। अब ये ऊपर वाला बेहतर जानता है कि ये 24 घंटों में कंप्लीट होगा या चंद सॉरी तो अब ये ऊपर वाला जानता है कि जी 24 घंटों में कंप्लीट होगा या फिर ये चंद घंटों में कंप्लीट होगा, या 24 घंटों में आप लोग कितने लोग इसमें ले पाएंगे। और जैसा कि आपको पता है, ये सिर्फ और सिर्फ हमने जो बर्निंग इस दफा हो रही है वो 1.55 बिलियन टोकन्स किया, और अगर हम 1 लाख वाली एवरेज पे रखते तो मैक्सिमम 15,000 इस अपॉर्चुनिटी से लोग बेनिफिट उठा सकते थे। लेकिन क्योंकि बहुत सारे इतने दिन से लोगों के कमेंट्स, रिव्यूज, बहुत सारे रिक्वेस्ट, वॉइस मैसेजेस डिफरेंट लीडर्स के थ्रू हम तक पहुंच रही थी, और वो यही चाह रहे थे कि जी हम खुद से बाय करना चाहते हैं, लेकिन हम इतने 1 लाख की लिमिट के नहीं बाय कर सकते, तो लिमिट थोड़ी होनी चाहिए। तो इसलिए सबके लिए म्यूचुअल एक इक्वल अपॉर्चुनिटी है। आप जितना चाहें, आप सॉरी जितना नहीं चाहे, जितनी यानी कि मिनिमम आप 1000 और मैक्सिमम 100,000 तक आप बाय कर सकते हैं इस आईटीओ से, ठीक है। मेरी तरफ से इतना ही है जी, ओवर टू यू रोहित जी। थैंक यू।
थैंक यू अमर जी, काफी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपने दी है आईटीओ के रिगार्डिंग। तो जितने भी दोस्त हमारे इस आईटीओ में पार्ट लेना चाहते हैं, पार्टिसिपेशन करना चाहते हैं, आप प्लीज अभी के अभी अपने उस ट्रेनिंग को एक्टिवेट कर लें और आप कल तकरीबन 3 बजे के आसपास इसका वेट करें। और आईटीओ में मैक्सिमम लोग जो पार्टिसिपेशन करना चाहते हैं वो टाइमली आए, क्योंकि इट विल बी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि यहाँ पर 15,000 सिर्फ 15,000 लोगों को ही ये फैसिलिटी मिलेगी, जिसके अंदर आप तकरीबन 1,00,000 टोकन के आसपास परचेज कर सकते हैं। और मैं आपको यहाँ पर एक बात की श्योरिटी देना चाहता हूँ, मैंने अभी कुछ कमेंट्स पढ़े, कुछ लोग काफी खफा है, नाराज है, लेकिन कोई बात नहीं, हर सिस्टम के अंदर हर तरीके के लोग होते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जितने भी दोस्त इस आईटीओ में पार्टिसिपेशन लेना चाहते हैं, मैं दोबारा बता रहा हूँ, वो फर्स्ट कम एंड फर्स्ट सर्व बेसिस के अकॉर्डिंग ही होगा, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे लोग फंड लेके वेट कर रहे हैं। ठीक है, पिछले 10-15 दिन से लोग डेस्परेट है टोकन्स को बाय करने के लिए, क्योंकि उसके दो बड़े रीजंस है। एक तो उनको स्टेकिंग के रिवॉर्ड्स और डायरेक्ट कमीशन के बेनिफिट्स लेने हैं, और सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि वो 3 सेंट के रेट पे जब इस आईटीओ को बाय कर रहे हैं, अगले ही दिन उसका रेट 5 सेंट का है। तो दिस इज वेरी बिग थिंग। ठीक है, आपको बता दूं, सॉरी मैं भूल गया था, एक और चीज ये है कि जी आपके मेटामास्क के थ्रू आप बाय करेंगे, आप अपना फंड जो है वो मेटामास्क में रखें और आप उसको अपने मेटामास्क के साथ कनेक्ट करेंगे, और जब आप बाय करेंगे तो आपके मेटामास्क से जो फंड है वो डिटेक्ट हो जाएगा और आपको बिलव टोकन जो है वो आपको मिल जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी। इसके अलावा मैंने आपसे कोई और एक और बात करनी थी, क्या इंपॉर्टेंट थी? हाँ, यस, अच्छा, बहुत सारे लोग अभी स्टेकिंग पे लगा रहे हैं लेकिन उनकी स्टेकिंग शो नहीं हो रही। ठीक है, उनका फंड जो है वो डिटेक्ट हो जाता है लेकिन स्टेकिंग में उनको शो नहीं हो रहा। तो जैसा कि आपको पता है कि कुछ फाइनल चीजें चल रही हैं ब्लॉकचेन के ऊपर, और कंटिन्यूसली ब्लॉकचेन के ऊपर कुछ काम चल रहा है, जिसकी वजह से चीजें मिसिंग भी हो रही हैं और कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि अभी फिक्स नहीं कर पा रहे। तो होपफुली क्या नहीं सुन रहे ब्लॉकचेन, तो होपफुली जो है वो कल या परसों तक टोटल काम कंप्लीट हो जाएगा। और मेरे ख्याल से वो कहते हैं ना कि ये जो जितने भी इश्यूज हमारी ऐप में चल रहे थे ये आखिरी मरलों पे हैं, और ये अभी जैसे ही थोड़ा सा सिस्टम हमारा सेट होता है, जो चीजें हम कर रहे हैं वो जैसी कंप्लीट होती हैं, तो उसके बाद मुझे बड़ी उम्मीद है कि लाइफ टाइम के लिए आपको टेक्निकली किसी किस्म के एरर्स जो है वो बिलव नेटवर्क की एप्लीकेशन में नहीं आएंगे। सिर्फ आपको अपडेट के लिए थोड़ा सा आया करेगा कि जी अपडेट कर लें, और वो भी नए फीचर्स नई चीजें जो उसमें ऐड होंगी वो होगा। अदरवाइज ये जितने छोटे मोटे चैलेंजेस आ रहे हैं इनका एक प्रॉपर सॉल्यूशन जो कि पिछले 1 महीने से काम चल रहा है ऑलमोस्ट डन है, और उसकी जैसी अपडेट जाएगी और बैकएंड पे जैसी ब्लॉकचेन के साथ जो भी इंटीग्रेशन है वो कंप्लीट होगी तो उसके बाद आपको ये इश्यूज नहीं आएंगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो अभी जिनके साथ अगर उनके उन्होंने स्टे किया और उनके फंड मिसिंग है तो टेंशन ना लें, ये बहुत सारे लोगों का है। ये जैसी सिस्टम अपग्रेड होगा तो ये सबके ऑटोमेटिकली शो हो जाएंगे, और पहले भी आपको पता है एक साथ ही होते हैं, तो इसके लिए कंप्लेंट्स करने की जरूरत नहीं है। इजी रहें, वेट करें, आपका रिवॉर्ड भी इसमें मिस नहीं होगा। वो जब आपकी स्टेकिंग हुई होगी उसके बाद आप बटन अगर प्रेस कर रहे होंगे तो आपको उसका रिवॉर्ड भी मिल जाएगा। और इसके अलावा ओके, मेरे ख्याल से इतना ही है, आप बाकी करें डिस्कशन। थैंक यू। थैंक यू सर। कुछ इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस कुछ लोगों के, मैं उन लोगों को यहाँ पर कुछ लोगों को जवाब देना चाहूंगा।